डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। आहार जो होता है वह जीवन की प्राथमिक आवश्यकता होता है। आहार के अभाव में व्यक्ति की वृद्धि व विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। व्यक्ति को आहार की आवश्यकता तब से होती है जब वह माता के गर्भ में होता है। गर्भावस्था के दौरान उस भ्रूण को या बच्चे को जो पोषण प्राप्त होता है वह माता के द्वारा या माता के पोषण से मिलता है। जन्म के समय एक शिशु का वजन 2.5 से 3 किलो तक होता है और यह वजन जो होता है 1 साल में 3 गुना हो जाता है। इसी तरह से यह शिशु जब बड़ा बनता है या बड़ा हो जाता है तब उसका वजन 50 से 70 किलो के बीच हो जाता है। यह जो वजन में वृद्धि होती है या उसकी शारीरिक वृद्धि होती है यह आहार के द्वारा ही होती है। अगर शिशु उत्तम पोषण को प्राप्त करता है या संतुलित आहार लेता है तो उसका वृद्धि और विकास जो है वह पूर्ण रूप से हो पाता है। संतुलित आहार से तात्पर्य होता है कि सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में उपस्थित रहे और इस संतुलित आहार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम आहार नियोजन करें। आहार नियोजन करते समय कई सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह व्यक्ति के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग को प्रभावित करते हैं या संतुलित आहार को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए जो भोजन संतुलित हो सकता है वह जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो। जैसे कि अगर एक सामान्य स्त्री जो भोजन ले रही है अपनी डाइट के अंदर या आहार में वह गर्भस्थ महिला के लिए या धात्री महिला के लिए संपूर्ण नहीं कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आहार नियोजन की कि आहार नियोजन कहाँ किसे जाता है। परिवार में सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनके पौष्टिक गुणों के आधार पर आहार में जब सम्मिलित किया जाता है तो उसे आहार आयोजन कहा जाता है। आहार आयोजन के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाता है। आहार आयोजन में खाद्य पदार्थों को खरीदना, पकाना, संग्रहण करना एवं परोसना सभी क्रियाओं का समावेश होता है। अर्थात हम यह कहें आहार का प्रबंध या नियोजन वह होता है जिसमें उपज के स्रोतों को मितव्ययतापूर्वक ढंग से उपयोग में लाते हुए पारिवारिक जो आहार संबंधी लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। भोज्य पदार्थों की जो मात्रा है उसको आहार में इस तरह से सम्मिलित किया जाता है जिससे कि सभी सदस्यों की जो पौष्टिक तत्वों की मांग है वह पूरी की जा सके तथा व्यक्ति जो है परिवार के जो सदस्य हैं वह स्वस्थ और निरोगी रहकर अपने अपने कार्यों को अपने अपने उत्तरदायित्वों को कुशलता पूर्वक पूर्ण कर सके। इसके अलावा हमने आहार नियोजन को अपने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया है। साथ में आहार नियोजन के क्या सिद्धांत हैं, क्या उद्देश्य हैं, उसको भी उस वीडियो में अच्छे से बताया गया है। इसलिए सिद्धांतों और उद्देश्यों का इस वीडियो में समावेश नहीं किया गया है और उस जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में कि कौन कौन से कारक जो होते हैं आहार नियोजन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। आहार नियोजन
को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह अलग-अलग होती है। हर परिवार अपनी जरूरतों तथा सीमित साधनों के दायरे में रहकर आहार का नियोजन कर सकता है। आहार नियोजन इस प्रकार से किया जाता है कि परिवार के हर एक सदस्य की पौष्टिक तत्वों की मांग को पूरा किया जा सके और परिवार के जो सभी सदस्य हैं वह निरोगी रह सके। अब हम सबसे पहले फैक्टर की बात कर रहे हैं, वो है आयु। आहार संबंधी जो आवश्यकताएं होती है वो परिवार के सदस्यों की आयु के द्वारा प्रभावित होती है। परिवार का निर्माण जो है सदस्यों के द्वारा होता है और सदस्य के रूप में बच्चे भी हो सकते हैं, किशोर भी हो सकते हैं, प्रौढ़ भी हो सकते हैं और वृद्ध भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप वाले लोग किसी भी परिवार में हो सकते हैं और इन सब विभिन्न आयु वर्ग की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह भी भिन्न भिन्न होती है। हमने सारे न्यूट्रिएंट्स को अभी तक कंप्लीट कर लिया है और हमने देखा है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, दैनिक जो आवश्यकता है, वह आयु के साथ प्रभावित होती है। अर्थात बच्चों की जो आवश्यकता है वो किशोर से अलग होगी, किशोर की जो आवश्यकता है वो प्रौढ़ या वयस्क व्यक्ति से अलग होगी और वृद्ध जनों की आवश्यकता जो है वह सभी से अलग होगी। जब ग्रोइंग एज होती है या किशोरावस्था है या जब बच्चे की शरीर में शारीरिक वृद्धि और विकास अधिक स्पीड से हो रहा है उस समय पर ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की आवश्यकता जो होती है बहुत अधिक होती है, परंतु वृद्ध व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकता के कंपैरिजन में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि इस समय पर फिजिकल एक्टिविटी वृद्ध की कम हो जाती है और इस कारण से उनकी ऊर्जा आवश्यकता वयस्क के कंपैरिजन में 10% तक कम हो जाती है। इसी तरीके से लिंग या सेक्स भी हमारे आहार नियोजन को प्रभावित करने का कार्य करता है। सामान्यतः पुरुषों का जो शरीर भार एवं आकार होता है वह स्त्रियों के कंपैरिजन में अधिक होता है। साथ में उनकी शारीरिक संरचना इस तरह से होती है कि उनके अंदर एक्टिव मसल्स या हम कहें क्रियाशील मांसपेशियों का जो अनुपात होता है वह भी अधिक होता है और इस कारण से उनकी ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो स्त्रियों के कंपैरिजन में अधिक देखने में आती है। अब हम बात कर रहे हैं जलवायु की या मौसम की। जलवायु और मौसम की जब बात करते हैं हम, तो भारत जैसे देश में जहां पर कि हर तरह की जलवायु या मौसम आता है, तो हम देखते हैं कि गर्मी के कंपैरिजन में सर्दी के मौसम में एनर्जी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, अर्थात ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। और इसी तरीके से ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों की कंपैरिजन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह अपने शरीर का तापमान जो है सामान्य बनाए रख सके। अतः ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों को ऊर्जादायक भोज्य पदार्थों की जो आवश्यकता होती है वह गर्म प्रदेशों के कंपैरिजन में अधिक होती है। अब हम बात करें व्यवसाय और क्रियाशीलता की। व्यक्ति को क्रियाशीलता के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा है और यह कैटेगरीज है अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील। जो व्यक्ति जितना अधिक क्रियाशील होता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होती है। अर्थात अधिक क्रियाशील व्यक्ति की जो ऊर्जा आवश्यकता है वो मध्यम और कम क्रियाशील व्यक्ति से अधिक होगी। महिला हो या पुरुष हो, दोनों में ही कम क्रियाशील व्यक्ति की जो ऊर्जा आवश्यकता है वो मध्यम और अधिक क्रियाशील के कंपैरिजन में कम होती है। ऊर्जा की आवश्यकता के साथ साथ हमारे शरीर में 3 जो दूसरे न्यूट्रिएंट हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की आवश्यकता भी प्रभावित होती है।
और इस कारण से जब ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है तो उनकी भी बढ़ी हुई मांग को देना जरूरी हो जाता है। ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए अधिक जो क्रियाशील व्यक्ति होते हैं उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स या फैटी फूड्स को इंक्लूड किया जाता है और उसके द्वारा उनकी ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ण किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आय की। आय के आधार पर भी आहार नियोजन प्रभावित होता है। हर परिवार का जो आहार नियोजन है वो उसकी आय पर निर्भर करता है। वह अपनी डाइट में सस्ते फूड स्टफ इंक्लूड कर रहा है या महंगे, यह जनरली उसकी आय पर निर्भर करता है। एक अधिक आय वर्ग का जो व्यक्ति है या हाई इनकम ग्रुप का जो व्यक्ति है वह अपनी डेली डाइट में ड्राई फ्रूट्स को, पनीर को या महंगी वेजिटेबल्स को या नॉन सीजनल वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकता है, पर वह लो इनकम ग्रुप वाला व्यक्ति इंक्लूड नहीं कर सकता है। वह उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढता है, जैसे मौसमी फल को इंक्लूड करें, मौसमी सब्जियों को इंक्लूड करें या फिर ड्राई फ्रूट का सब्स्टिट्यूट जैसे मूंगफली वगैरह है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। पनीर की जगह वह दही, दूध, छाछ वगैरह का कंजम्पशन बढ़ा लेता है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं परंपराओं की। आहार नियोजन जो है पारंपरिक एवं सामाजिक विश्वासों और प्रथाओं के कारण से भी प्रभावित होता है। आहार नियोजन करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में हमारे आहार नियोजन को प्रभावित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों की उपलब्धता। भोज्य पदार्थों की जब उपलब्धता की बात करते हैं तो हर मौसम में हर तरह के फूड स्टफ बाजार में नहीं आते हैं। सभी प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं क्योंकि वह हर मौसम में नहीं आते हैं, हर जगह पे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम अगर उस चीजों को सस्ते दामों पे लेना चाहते हैं तो हम मौसमी फल यानी सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में जो हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी आती है या गाजर बहुत अच्छी आती है तो हमें उन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। गर्मी में आम बहुत अच्छे से आते हैं या तरबूज आता है तो ऐसे फूड स्टफ को हमारी डाइट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सदस्यों की रुचि। आहार नियोजन करते समय गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आहार न केवल व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे बल्कि व्यक्ति की या सदस्यों की रुचि के अनुरूप भी हो, जिससे कि वह उसके लिए एक्सेप्टेबल हो पाए। अगर वो न्यूट्रिशियस तो है पर व्यक्ति की रुचि के अनुसार नहीं है या वह उसे पसंद नहीं है तो वह उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या मन से नहीं खा पाता है या वह उसे खाएगा ही नहीं। अब हम बात कर रहे हैं महिला का कामकाजी होना। महिला का कामकाजी होना भी आहार नियोजन को प्रभावित करता है। एक वर्किंग वुमेन जो होती है वो किचन में उतना समय नहीं दे पाती है जो कि एक नॉन वर्किंग वुमेन दे पाती है। इसके लिए वह अपने परिवार के सदस्यों की मदद लेती है या सर्वेंट की मदद लेती है या फिर वह समय और श्रम बचाने वाले उपकरणों की मदद लेती है। साथ में उसे प्लानिंग बहुत ही पहले वाले लेवल पे करनी होती है कि मुझे कल क्या बनाना है या परसों क्या बनाना है, जिससे कि वह अपने जो भी पहले की तैयारी है उसको समय पे पूर्ण कर पाए। और इसीलिए महिला का कामकाजी होना जो फैक्टर है वह भी हमारे आहार आयोजन को प्रभावित करता है। और आहार आयोजन जो महत्व में देखा था कि हम पहले से कर लेते हैं तो यह महिला का समय और श्रम दोनों ही बचाने में मददगार होता है। पोषण संबंधी ज्ञान होना। बेसिक जो नॉलेज होती है न्यूट्रिशन की वह होना महिला के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे कि वह अपने परिवार को उचित पोषण दे पाए और परिवार के सभी सदस्यों को सुपोषण की स्थिति में रख पाए। नेक्स्ट डे संतुष्टिमान, या जिसे कि हम सेटिस्फेक्शन लेवल कहते हैं। संतुष्टिमान की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कई सारी वैल्यूज आती है, जैसे कि सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए,
या उसको सटाइटी वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हम ऐसा खाना ले रहे हैं जिसको खा के हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो ऐसा खाना खाने से कोई भी फायदा नहीं होता है। यही चीज हमने पहले वाले स्लाइड में बताई थी कि व्यक्ति की रुचि के अनुसार होना चाहिए। अगर व्यक्ति की रुचि के अनुसार भोजन होता है तो नेचुरल है वो व्यक्ति को संतुष्टि मान या सटाइटी वैल्यू देने का कार्य करता है और व्यक्ति उसको खुश होकर ग्रहण करता है और स्वस्थ बना रहता है। साथ में भोजन में संतुष्टि मान देने के लिए वैरायटी होनी चाहिए, भले वो वैरायटी कलर की वजह से हो या वैरायटी फूड स्टफ को चेंज करके हो या एक ही फूड स्टफ से डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें बना के हम लाएं, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट है भोजन का विन्यास या जिसे हम मील पैटर्न कहते हैं। आहार नियोजन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें भोजन विन्यास संतुलित हो, अर्थात सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का जो है दिन भर में समावेश होना चाहिए। क्योंकि पता है हमें इंडिया में 3 टाइम मील पैटर्न जनरली होता है, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मॉर्निंग टी अगर अलग से ले रहे हैं तो वो चीज आती है और इवनिंग टी अलग से आती है, पर मील पैटर्न जो है वो 3 टाइम्स का माना जाता है। और उसमें हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे सारे जो भोज्य समूह हैं वह सब कुछ इसमें इंक्लूड हो पाए एक दिन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं समय, श्रम व धन में बचत। किसी भी परिवार के लिए श्रम, समय, धन यह तीनों की ही बचत काफी मायने रखती है, क्योंकि एक श्रेष्ठ आहार नियोजन हम उसे ही कह सकते हैं जिसमें इन तीनों की काफी बचत हो। और इसीलिए आहार नियोजन एक वीक का कर लेते हैं हम, तो हमारे समय की बचत होती है क्योंकि सारा सामान एक साथ खरीद के लाया जा सकता है। साथ में श्रम की भी बचत होती है और धन की भी होती है। उसके बाद जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर आहार नियोजन करेंगी, जैसे महिला कामकाजी है तो उसको पहले से क्या बातों का ध्यान में रखना है, उसको क्या पहले से प्री प्रिपरेशन करनी है उस चीज को बनाने के लिए, साथ में अगर उसको पोषण संबंधी ज्ञान भी है तो वह उस चीज को अच्छे से यूज कर पाएगी और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को मेंटेन रख पाएगी और न्यूट्रिएंट लॉसेस उससे कम होंगे, साथ में व्यक्ति को संतुष्टि वैल्यू भी मिलेगी और उसकी रुचि के अनुसार भी वो खाना होगा, सटाइटी वैल्यू भी उसको मिल पाएगी, साथ ही साथ वह व्यक्ति को उचित पोषण की स्थिति में रख पाएगा या सुपोषित कर पाएगा और कुपोषण की संभावनाओं को बिल्कुल ही वह जीरो कर देगा। इसके साथ ही आज के हमने वीडियो में देखा कि कौन कौन से कारक हमारे आहार नियोजन को या आयोजन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।